रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। बिहार में महागठबंधन के लेकर के जौन बात चल रहा बा, वो बात के बीच में एक नया मोड़ आविल बा। वो नया मोड़ बा कि कांग्रेस के स्टैंड रुवा लोग के पता हुई कि आज से चार दिन पहले RLSP महागठबंधन के वो संयुक्त बैठक बुला करके राज्य सरकार के कमी पर 13 तारीख के यानी यही 13 तारीख के नवम्बर में राज्य मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके सरकार के नाकामी के उजागर करे खातिर एकजुटता देखावे के प्रयास महागठबंधन की तरफ से कर रहा, जौना में अलग अलग दल के लोग भी शामिल हो गए रहा। अब एकरा बाद ये बात जबरदस्त ढंग से चल रहा बा कि एकरा में महागठबंधन के कई दल के सहयोग ना मिली, लेकिन इस सब के बाद अब स्थिति ये बा कि RLSP के जौन प्रयास रहा महागठबंधन के एकजुटता में वो प्रयास सफल हो नजर आ रहा बा। गोरा लगातार स्वागत बर बोलो के न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। लगातार बिहार में जहां एक तरफ सत्ता और विपक्ष में जम करके एक दूसरा के कमी और बुराई कर जा रहा बा, चूंकि आवे वाला 2020 के चुनाव अब कपार पर सवार हो गई बा। हर दिन कम कर जा रू है चुनाव के तिथि के, एक एक दिन बीता जाता और एक साथ साथ स्ट्रेटजी और रणनीति भी बनल रहा। अब इस सब के बीच RLSP के प्रयास महागठबंधन के एकजुट करके सरकार के कमी के उजागर करे के रहला। एकरा में एक बैठक भइल, बैठक में हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और RJD के अनुपस्थिति और ए अनुपस्थिति के बाद कई तरह के प्रश्न खड़ा हो गए। हालांकि RJD ना उपस्थित होकर के कारण बतौले रहा कि उनका संगठनिक चुनाव चलता, ऐसे वो अपन प्रतिनिधि ना भेज ले रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तानी आवाम पार्टी अपने स्वतः शामिल ना भई रहे, ओकरा पहले जीतन राम मांझी के कुछ शर्त रहे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनावे के, और एकरा के लेकर के वो महागठबंधन से उतना समय खाती अपना के अलग रख ले रहे हैं कि जब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाते या फिर आगे के प्रक्रिया नहीं के हो, जमा से कि महागठबंधन एकजुट रहे, मजबूत रहे और सब लोग के बराबर बराबर सम्मान मिले। एमे मुकेश सहनी शामिल रहन, कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल रहन और एक साथ साथ वाम दल के भी कई घटक शामिल भे रहा है। तय भाई कि 13 तारीख के राज्य भर में जिला मुख्यालय पर नीतीश सरकार के विरुद्ध उनका कमी के उजागर कर जाए और जनता तक इस संदेश पहुंचाओ जाए कि सरकार नकारा। अब एक बाद कांग्रेस के अलग अलग नेता जन कार्यकारी अध्यक्ष भी बाढ़ उनका तरफ से कुछ बयान ऐसा आए जौन ई साबित करे लागल कि कहीं ना कहीं ये पूरे कवायद में ये विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस शामिल ना हुई। लेकिन जौन ताज़ा जानकारी मिल रहा बा सूत्र से हमने के लगे जौन खबर आई बा, वो खबर के मुताबिक बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हालांकि पटना में नहीं खन, लेकिन वो ए बात के स्वीकृति कैले हा कि ना महागठबंधन के जो भी कार्यक्रम हुई वो कार्यक्रम में कांग्रेस के समर्थन बा। मदन मोहन झा दरभंगा में एगो कार्यकर्ता उगन झा के देहावसान के बाद उनका परिवार के सांत्वना देवे और शामिल होके खाती गई बा, वजह से एक खबर आई हा और सूत्र के हवाला से जानकारी मिलता कि कांग्रेस 13 तारीख के जौन RLSP के द्वारा विरोध प्रदर्शन हर जिला मुख्यालय पर हो रहा बा ओकरा में साथ रही। अब देखे वाला बात ये हुई कि कांग्रेस में अलग अलग तरह के बयान, RJD के एकरा से अलग रहना, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के अलग होना, जबकि ई फिर से कहना कि हम महागठबंधन के में शामिल बानी, ओकरा बाद ए बैठक के बाद VIP पार्टी के तरफ से मुकेश सहनी के ये बयान आना कि 3 दिन के अल्टीमेटम हम कांग्रेस और RJD के देता नहीं, अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी पर ना सोची लोग तो हमको के अलग मानो लोग, इस सब के साथ साथ RLSP और उपेंद्र कुशवाहा के एक कवायद जौना खातिर वो तैयारी कर लेवान कि 13 तारीख के राज्य में शिक्षा, बेरोजगारी, कृषि, बीमारी, अस्पताल और अन्य समस्या के लेकर बढ़ता अपराध के लेकर के वो सरकार के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन करी हैं, जौन की लोकतंत्र के सबसे मजबूत हथियार मानल जाला। और एकरा साथ साथ आवे वाला 2020 खाती चुनाव के
आगाज हुई, एकजुटता महागठबंधन के देखावल जाई और एकरा से एक प्रदर्शन के रास्ता तैयार कर जाई। अब देखे वाला बात यह हुई कि 13 तारीख के उपेंद्र कुशवाहा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के चलता और जे कुछ भी चल रहा बा महागठबंधन के अंदर ओकरा पर विराम लगाता या फिर सब लोग साथ छोड़ करके आपन डफली आपन राग अलापता। जुड़े नहीं सब न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ खबर के सिलसिला लगातार जारी बा। फिर कोनो खबर लेकर हाजिर होता नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।